अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सुरक्षा कर्मियों और महिला अधिकारियों के साथ कार द्वारा रवाना होकर नेहरू नगर चौराहे पर महिला सफाई कामगारों के साथ चर्चा की। चाय पर हुई बातचीत में सीएम ने महिलाओं की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाएं अंतरिक्ष जा रही हैं, आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष है। भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मचारी महिलाओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों पर झाड़ू लगाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक दिन के लिए मीनाक्षी वर्मा को प्रदेश का गृह मंत्री बनाया। मीनाक्षी ने गृह मंत्री के पद पर भोपाल में किया पदभार ग्रहण। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही नागरिकों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि भोपाल में महिला आरक्षक है मीनाक्षी वर्मा, महिला मार्शल में है तैनात। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को नौटंकी करार बताया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के द्वारा तो मुख्यमंत्री एक दिन के लिए महिला बाल विकास मंत्री का पद ही छोड़ देते, नाटक नहीं। सुरक्षा दे सरकार, पेट्रोल डीजल गैस की टंकी सस्ती करो। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की पूरी सरकार महिला दिवस के नाम पर नई नई नौटंकी कर रही है। आज मुख्यमंत्री की ड्राइवर महिला है, सुरक्षा में महिलाएं ही महिलाएं हैं। विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी पर महिला बिठाई गई हैं। गृहमंत्री ने भी एक महिला को एक दिन का गृहमंत्री बना दिया है, किंतु ऐसे में भी प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री के पद पर पुरुष विराजमान हैं। मुख्यमंत्री कम से कम एक दिन के लिए तो किसी महिला को महिला बाल विकास मंत्री बना सकते थे। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को नौटंकी की आवश्यकता नहीं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्हें घर चलाने के लिए महंगाई से लड़ने वाली सरकार चाहिए, गैस का चूल्हा देकर लकड़ी जलवाने वाली सरकार नहीं चाहिए। गुप्ता ने हैरानी व्यक्त की, जब सरकार ये तमाशा कर रही थी उस समय अवसाद, तनाव और गरीबी से जूझ रही एक महिला ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, इससे अधिक शर्मसार क्या हो सकता है। गुप्ता ने मांग की है कि सरकार ये नौटंकियां करने के बजाय पुलिसिंग सुधारे। प्रदेश में 11 महीने में 4900 बलात्कार के मामले कुल 64 पर दोष सिद्ध हुआ है, यह इन्वेस्टिगेशन है। महिलाओं को नौकरी दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए, शराबखोरी रोकिए, बच्चियों का वादा किया था उन्हें स्कूटी दीजिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर दीजिए, नौटंकी के लिए 2-3 साल पड़े हैं। भोपाल से विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। मंत्री के रूप में है आपके सामने सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है, मां महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाएं, विद्या चाहिए सरस्वती माँ के पास जाएं, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी माँ के पास जाएं। विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसे माता कहते हैं, भारत माता। कावते यस्य नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है, और इसलिए आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देके एक संकेत देने की कोशिश की है कि आप अपार शक्ति की भंडार हैं, आप अबला नहीं सबला हैं, और इसलिए आगे आओ और हम सब मिलके समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण और बराबरी का योगदान दें। मध्य प्रदेश में महिला विश्व महिला दिवस के नाम पर एक बड़ा तमाशा जो चल रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्राइवर आज महिला है, उनकी सुरक्षा गार्ड आज महिला हैं, आज जो है सारा महिलाएं उनके कारकेड में हैं, और महिलाओं को ही आज के दिन विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी पर बिठाया गया है, और तो और उनके जो है परम सुदर्शन गृह मंत्री जी ने एक दिन के लिए एक महिला को गृह मंत्री भी बना दिया है। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब तमाशा होने के बाद अगर और अच्छा होता कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए किसी महिला को मुख्यमंत्री बना देते और मुख्यमंत्री ना बनाते तो कम से कम एक दिन के लिए महिला बाल विकास के मंत्री का पद तो छोड़ देते, वो अपने पास क्यों रख छोड़ा हुआ, उस पर पुरुष को क्यों बिठा रखा है।